कैथल में ताऊ देवीलाल जयंती पर इनेलो की राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष राव होशियार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, पूर्व सीपीएस श्याम सिंह राणा, टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, केसी त्यागी, शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर सिंह बादल, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और पूर्व सीएम ओपी चौटाला पहुंचे। इस दौरान टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि महिला आरक्षण बिल कुछ नहीं होने वाला है, ये मोदी का एक जुमला है, क्योंकि मोदी वादा करता है वो पूरा नहीं करता। देश में बदलाव लाना है तो सरकार बदलनी होगी। साथ ही सुनैना चौटाला ने कहा कि इस समय प्रदेश में गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन की सरकार चल रही है। महिलाओं से अपील है कि महिलाएं चश्मे के निशान पर बटन दबाएं। आज वक्त कहता है क्यों सोए हो, खड़े हो, उठ जाओ। आज वक्त बदलना होगा, बीजेपी को भगाना होगा। आम आदमी पार्टी के प्रांतीय वरिष्ठ उप प्रधान अनुराग ढांडा ने 25 सितंबर को कैथल में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल के सम्मान में इनेलो द्वारा प्रस्तावित समारोह को लेकर पार्टी की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ताऊ सभी वर्गों के नेता थे, हैं और रहेंगे, इसलिए उन्हें केवल इनेलो पार्टी के बंधन में बांधना उचित नहीं। आम आदमी पार्टी कैथल में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह का हिस्सा बनने के बजाय उनके प्रति अपनी आस्था व निष्ठा रखते हुए उनकी सोच को जन जन तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।